नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन डिजाइन की। आपने हमारा थंबनेल देखा होगा और आपने सोचा होगा थंबनेल पर देखकर ही क्लिक किया होगा कि आपको कहीं ना कहीं यूनिक और बेहतरीन प्लान देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्तों मिलेगा। जो आज का प्लान मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन और यूनिक होने वाला है। और आप अगर ग्रामीण या शहरी किसी भी क्षेत्र से क्यों ना बिलोंग करते हैं, अगर आप इस मॉडल को बनवाएंगे ना तो लोग कहेंगे नहीं कोई आपने घर बनवाया है, कोई आपने नक्शा सेलेक्ट किया है। तो अगर आप भी इस मॉडल को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को देखिएगा पूरा। और साथ साथ आपको और एक अपडेट देना चाहते हैं, अगर आप घर का नक्शा दोस्तों बनवाना चाहते हैं मुझसे तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर, आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है मैंने, वहां पर आप मुझसे चैट करिएगा। वो हमारी दोस्तों पेड सर्विसेज का विशेष ध्यान रखें। और 50% आपको पे करना होता है, 50% मैं बाद में पैसा लेता हूं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना है, केवल डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर दिया है व्हाट्सअप उसी पर कांटेक्ट करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। आपसे लोग पैसे ले लेंगे मेरे नाम से और आपका काम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा। और साथ साथ दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं घर से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे फ्रंट एलिवेशन वगैरह देता रहता हूं। तो आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, फेसबुक पेज को आप फॉलो करके रखेंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करके रखेंगे, तो आपको घर बनवाने में ना बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जरूर फॉलो करिएगा। जो आज का मॉडल उसे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस प्लान की मैं बात कर रहा था ये पूरा प्लान होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत प्लान मैंने डिजाइन करने की कोशिश की है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया। उनके दो रूम ऑलरेडी बने थे और उनका कॉर्नर का प्लॉट है, मतलब कि दो साइड रोड है, तो उन्हीं को जो बाकी का मकान था उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है, देख सकते हैं आपको। और बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन यहाँ पर बनकर रेडी हुआ है और वो हमारे एक पेड यूजर है। तो अगर आप भी घर के नक्शे वगैरह बनवाना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कॉन्टेक्ट कैसे करना है। तो ये फ्रंट का एलिवेशन है, देख सकते हैं आप। सबसे पहले दो पिलर के साथ या पोर्च का डिज़ाइन मिलता है, तो हम इसे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले आपको ग्राउंड फ्लोर हम डिस्कस करते हैं। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देख सकते हैं। अभी मैं चारों तरफ से दिखाऊंगा, ये फ्रंट देखिएगा, मैं समझा देता हूँ। ये दोस्तों फ्रंट का डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। दोनों साइड एक एक और विंडो दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। आगे की ये दोस्तों विंडो है जो कि आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से विथ फ्रेम मैंने क्रिएट की है। और ऐसे ही विंडो आपको साइड में भी देखने को मिलेंगे और इधर भी देखने को मिलेंगे। जहाँ पर विंडो की पॉसिबिलिटी हो सकती थी वहाँ पर मैंने विंडो दिया है, जिससे आपका घर में हवा वगैरह क्रॉस होता रहे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है बाहर वाली विंडो को तो आप इन्हें हटा सकते हैं। अब जब मेन डोर से आप एंट्री करते हैं यहाँ से आपके पोर्च के साथ, तो आप सीधा गैलरी में पहुँचते हैं और सबसे पहले लेफ्ट हैंड में आपको देख सकते हैं एक बड़ा सा किचन देखने को मिलता है। उनको दोस्तों किचन इधर ही चाहिए था क्योंकि उनको वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन करवाना था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ किचन बनाया, ये डोर दिया। विंडो किचन में दोस्तों एक फ्रंट से है और एक साइड से है, तो वेंटिलेशन की किचन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद आगे बढ़ते ही राइट हैंड में आपको एक गेस्ट रूम देखने को मिलता है। इस गेस्ट रूम को हालांकि मैंने डोर तो अंदर से दिया है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप बाहर से गेस्ट रूम में भी डोर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक डोर और ये विंडो थोड़ा सा साइड में कर लीजिएगा, तो आसानी से आपका गेस्ट रूम भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और इस गेस्ट रूम में आपको दो विंडो मिलेंगे, एक फ्रंट में और एक साइड में, है ना। इसके बाद आगे और बढ़ते हैं, फिर से लेफ्ट हैंड में आपको दो बेडरूम देखने को मिलते हैं लगातार, जो कि ऑलरेडी उनके पहले से बने हुए हैं बेडरूम। ये दोस्तों इनका इस साइड रोड है और ये दोनों बेडरूम पहले से बने हैं उनके, तो उन्हीं बेडरूम्स को मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। दोनों में डोर विंडो मैंने अंदर से इस वजह से नहीं दिया है क्योंकि बाहर से इनका रोड था, तो ऑलरेडी ये बाहर से अपना विंडो बनवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको राइट हैंड में स्टेयर्स मिलती हैं, जिससे आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर वापस आएंगे। और इसी स्टेयर्स के नीचे दोस्तों आपको लेट बाथ की व्यवस्था देखने को मिलती है, हालांकि जगह कम है बट एडजस्ट उन्होंने किया है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी। आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर से एक बेडरूम और ये किचन का डिज़ाइन दोस्तों, ये आपका किचन यहाँ पर आपका ये लेट बाथ या पूजा घर शायद वो बनाना चाहते हैं, तो वो उसके लगे जगह मैंने छोड़ दी। किचन तो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, और अगर आप सेपरेट भी करना चाहते हैं यहाँ पर सीट रखवाइएगा और यहाँ पर अपना बाथरूम यूज करिएगा, तो आपके लिए ये जगह सुटेबल है। तो आपके पास कुल मिलाकर चार बेडरूम हो गए, दो इधर किचन, लेट बाथ और पूजा घर, और ये आपकी गैलरी नुमा। और फ्रंट में एक बेहतरीन सा डिजाइन देख सकता है, दो पिलर के साथ पोर्च का डिजाइन आपको देखने को मिलता है। तो ये ग्राउंड फ्लोर था, आप देख लीजिएगा बहुत प्रॉपर तरीके से,
मैंने डिजाइन करने की कोशिश की। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे पहुंचते हैं तो मैंने थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया है फर्स्ट फ्लोर का, और यहाँ पर 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल दोस्तों, इधर भी आपका लगभग छज्जा निकला हुआ है 2.5 से 3 फिट, इधर भी निकला है और आगे भी निकला है, सिर्फ बैक मेन का छज्जा नहीं है क्योंकि किसी और की जमीन है, तो वहाँ पर प्लेन मैंने वॉल क्रिएट कर दिया, और तीनों तरफ से मैंने बाउंड्री वॉल भी क्रिएट किया है। साइड में आप देख सकते हैं ये दोस्तों पीओपी का डिजाइन भी क्रिएट करने की कोशिश की है मैंने, और यहाँ पर आपकी ग्रिल वगैरह लगी है। फ्रंट का देख सकते हैं जो आपका एलिवेशन है आपका रेलिंग का, वो ये देखने को मिलता है जो कि काफ़ी यूनिक और बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मॉडल था जो कि 30x35 में पहले उन्होंने बनाने की कोशिश की, बट थोड़ा सा एरिया उनका बढ़ गया है उनके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा मॉडल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आपको आज का मॉडल कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आपको हमारे मॉडल्स कैसे लगते हैं ये आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं काफ़ी मेहनत से मॉडल्स क्रिएट करता हूँ, और लोग क्या करते हैं हमारे वीडियोज़ को या हमारे फोटोज़ को कॉपी करके फेसबुक वगैरह पर डालते हैं, तो मैंने स्ट्राइक देना शुरू किया है। काफ़ी लोगों ने मुझे गुजारिश किया कि आपने सर मेरे पर स्ट्राइक दिया, बट उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भाइयों मैं स्ट्राइक देने के लिए आपको बिल्कुल नहीं देना चाहता था। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को कॉन्टेक्ट किया बट आप लोगों को कोई रिप्लाई नहीं आया, और मैं देख रहा था लगातार आप लोग हमारे कंटेंट को यूज कर रहे थे फेसबुक पेज पर। मैं उनसे सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं है कि आप लोगों को मैं स्ट्राइक, बट जब मैं मजबूर हो गया आप लोगों को मैंने बार बार कांटेक्ट किया, मैं महीने 1.5 महीने से लगातार आप लोगों को मैसेज कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारा कंटेंट आप मत यूज करिएगा, बट लोग नहीं मान रहे, तब मुझे मजबूरी में दोस्तों एक कदम उठाना पड़ा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी हमारे द्वारा इसका दोस्तों विशेष ध्यान रखिए, मैं बिल्कुल दिल से नहीं चाहता हूँ किसी का मेरे द्वारा नुकसान हो एक पैसे का भी, बट मैं उनसे गुजारिश करना ये भी चाहता हूँ कि आप दोस्तों अपना कंटेंट यूज करें बट मेरा मत यूज करिएगा, क्योंकि जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है ना बहुत मेहनत से दोस्तों कंटेंट क्रिएट कर पाता है, तो आप लोग क्या करते हैं उनके कंटेंट को चुरा करके अपने फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करते हैं, तो हमें दोस्तों कष्ट होता है। मैंने बहुत दिनों तक इग्नोर कर रहा था ये सारी चीज़ें कि मत दूं मैं किसी को स्ट्राइक, बट मैं जब बेबस हो गया मजबूर हो गया तभी उन लोगों को मैंने स्ट्राइक दिया, तो उनसे मुझे हाथ जोड़कर दोस्तों माफ़ी मांगना चाहूँगा, मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा, उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आप थोड़ा रियलाइज करिए अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, और हमसे आप जुड़े रहिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, मैं आपको बेस्ट मॉडल देने का हमेशा बरखश प्रयास करता हूँ, इसे आपको बेहतरीन संरक्षा दे सकूँ, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति का फ्रॉड कभी नहीं होगा, इसका मैं बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग क्या होता है दोस्तों कांटेक्ट करते बोलते हैं मैं एडवांस पेमेंट नहीं करूँगा, तो दोस्तों मेरा 50% एडवांस पेमेंट लेने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को मैं, जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना नक्शा बनवा लेते हैं फिर मुझे कांटेक्ट मेरा पैसा नहीं देते हैं, मुझे मेरा लेके दोस्तों भाग जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से मैं 50% पेमेंट लेता हूँ। हाँ अगर मैं पेमेंट लूँगा तो आपका काम 110% होगा, थोड़ा लेट हो सकता है, मैं 24 घंटे या 72 घंटे बोलूँ तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, बट काम होगा उससे निश्चिंत रहिएगा। और आप हमें जब मुझसे बात हो जाए ना तब आप ये क्वेश्चन मत किया करिए कि मुझे 50% पेमेंट मैं नहीं दूंगा वगैरह वगैरह। हाथ जोड़कर निवेदन है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अगर आपको हमारे प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।